उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी इलाके में 2015 में इलेक्ट्रॉनिक कचुए का काम किया जाता था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से हो रहे प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक का काम पूरी तरीके से बंद करा दिया। काम बंद होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निकलने वाले सोना खरीदने वाले व्यापारी ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का काम करने वाले व्यापारियों से लाखों रुपये का सोना और नकदी लेकर 2015 में फरार हो गया, जिसकी शिकायत इलेक्ट्रॉनिक कचरे का काम करने वाले लोगों ने पुलिस से की। पुलिस भी लाखों रुपये के लेन देन को लेकर चौंक गई। आखिर मामूली इलेक्ट्रॉनिक कचरे का काम करने वाले युवक पर लोगों का लाखों रुपए का कर्ज निकला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश करने में लगी है, लेकिन आरोपी लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 6 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी पंजाब से की। पुलिस ने पैसा लेकर फरार हुए आरोपी पर 20,000 का इनाम तक घोषित कर दिया था, लेकिन आरोपी का कोई पता नहीं चल पाया। आरोपी की नई लोकेशन पुलिस के हाथ लगते ही पुलिस ने टीम बनाकर पंजाब से आरोपी की गिरफ्तारी की और मुरादाबाद लेकर जेल भेज दिया। सर, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है, क्या है? ये थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2015 से 20,000 का फरार इनामी को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति जावेद और गुड्डू 2015 में कई लोगों का पैसा लेके थाना नागफनी क्षेत्र से भाग गया था। उस समय ये ई कचरा वालों से सोना खरीदता था और उनकी गोल्ड आइटम की खुद ही सोने का कारीगर है, बना के बेचता था। तो इसने कई लोगों से पैसा भी उधार लिया हुआ था, साथ ही इसने कई लोगों से गोल्ड की कमिटीज़ बनाई हुई थी जिसका पैसा इसके पास था। तत्कालीन समय में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई ई कचरे के व्यापार पे हुई, उसके कारण ई कचरा का व्यापार बहुत घट गया था, जिसके कारण इसको बहुत घाटा हुआ। इसलिए देनदारी से बचना चाहता था, तो यहाँ पे जितने लोगों का पैसा था ये लेके उस समय ये भाग गया था, तभी से यह फरार चल रहा था। उस समय एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था। ये तभी से फरार रूप में मलेरकोटला पंजाब में छिप के अपना वहाँ पे सभी कबाड़ी का काम कर रहा था। जो नई सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हुई उसके आधार पे कार्य करते हुए आज इसको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। इस पर 2 मुकदमे हैं, धोखाधड़ी और जो इसपे 174A का इस पर मुकदमा।